वाह भाई वाह, असंभव, आश्चर्यजनक। बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्सों का जो अनुमान था वो सब फेल हो गया। सबका यही अनुमान था कि एनिमल के सामने जब गुरुवार को टंकी मूवी रिलीज होगी तो एनिमल का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बुरी तरीके से धड़ाम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो इसके कलेक्शन की जो रिपोर्ट निकली ना दोस्तों, वो आश्चर्यजनक है। सोचिए दोस्तों, इस मूवी का 21वां दिन यानी कि तीसरा हफ्ता और सामने डंकी जैसी बड़े स्टार की, बड़े डायरेक्टर की मूवी रिलीज हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी रणवीर कपूर की इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है ये वाकई में आश्चर्यजनक है। वहीं दोस्तों, अगर इसी के साथ हम सैम बहादुर के बारे में बात करें तो ये तो आपको मालूम है, इसके सामने पहले से ही एनिमल जो मूवी है वो तांडव मचा रही है। ऐसे में डंकी जैसी मूवी रिलीज हो जाए और इस मूवी के पास 100 भी नहीं जाता, इस मूवी के पास 450 100 भी नहीं है, लेकिन इसका जो कलेक्शन निकला है वो तो आपको अचंभित करने वाला है। आप माने चाहे ना माने, जो रिपोर्ट निकली है वो मैं बता रहा हूं। अगर हम एनिमल के कलेक्शन के बारे में बात करें तो 21वें दिन गुरुवार वाले दिन डंकी मूवी के सामने इस मूवी ने 2,45,00,000 का कलेक्शन किया है 21वें दिन। और इसका जो टोटल नेट कलेक्शन हो गया वो हो गया है 532 करोड़ रुपए, और हिंदी भाषा में हो गया है 482 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि काश इस मूवी के सामने एक हफ्ते कोई बड़ी मूवी और ना रिलीज होती तो ये मूवी 900 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देती। देखा जाए दोस्तों, डंकी मूवी के सामने इसने कलेक्शन काफी शानदार किया है। अगर ये इसी हिसाब से कलेक्शन करती रही तो ये मूवी हिंदी भाषा में 500 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और वर्ल्ड वाइड के मामले में 900 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है। लेकिन अब इस मूवी के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो निकलेगी आज सलार। क्योंकि एनिमल देखा जाए दोस्तों एक्शन मूवी है और सलार भी मूवी देखा जाए एक्शन मूवी है, और डंकी की बात करें तो डंकी सोशल ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। तो ऐसे में जो कोई कॉमेडी मूवी सोशल ड्रामा देखने चाहते हैं वो डंकी देखने गए, लेकिन जो एक्शन देखना चाहते थे वो एनिमल के पास गए। लेकिन अब एनिमल के सामने सलार है, क्योंकि सलार भी ए ग्रेड की है, उसमें भी खून कच्चड़ काफी ज्यादा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कल इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा निकलता है। और यकीन मानिए दोस्तों, कल ये मूवी अगर अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब होती है, अगर ये मूवी करोड़ का भी अपना मूव देख लेगी ना, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। फिर उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि ये मूवी ने हिंदी भाषा में 500 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। वहीं अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 875 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मूवी का आज से सफर कैसा जाता है। अगर इसका आज से सफर ठीक ठाक रहा तो शायद वर्ल्ड वाइड के मामले में भी ये मूवी 900 करोड़ का आंकड़ा छू ले। वैसे आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के पास एक हफ्ते का समय और होता ना, तो यकीन मानिए हो सकता है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड के मामले में 1,000 करोड़ का भी आंकड़ा छू सकती थी। अब बात करें अगर विक्की कौशल की मूवी सैम बहादुर के बारे में, दोस्तों देखा जाए सैम बहादुर के सामने तो पहले से ही एनिमल तांडव मचा रही थी, फिर डंकी मूवी भी आ गई और सबसे बड़ी बात इसका भी आज 21वां दिन। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस मूवी ने 70 लाख का कलेक्शन किया है, 70 लाख का। अब तो दोस्त मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मूवी सोलो रिलीज होती सैम बहादुर, तो आप माने चाहे ना माने, ये विक्की कौशल के कैरियर की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली तो मूवी बनती बनती, और उनके कैरियर की ये अब तक के सबसे बड़ी मूवी भी हिट साबित होती। वहीं अगर हम इसके ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 98 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मूवी संडे तक के ग्रॉस कलेक्शन के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी कि नहीं। मेरा तो मानना है दोस्त आराम से छू लेगी, और अगर ये छू लेगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मूवी का बजट है 50 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन में आ रहा है 100 करोड़, मूवी हो चुकी है सुपरहिट, और वर्ल्ड वाइड के मामले में इस मूवी ने क्रॉस कर दिया है 115 करोड़ का आंकड़ा। वैसे आपको क्या कहना है इन दोनों मूवी के बारे में,
कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।